हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी एक वीडियो लेके आई हूँ, तो जिसके लिए मुझे बहुत पहले से रिक्वेस्ट आ रहे थे बट मैं पूरा नहीं कर पा रही थी। बट या आज मैं आ गई हूँ ये वीडियो लेके, और जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था उनका नाम मैं यहाँ स्क्रीन पर दे दूँगी, आप देख सकते हो। तो ये वीडियो उनके लिए और आप सब के लिए मैंने बनाया है। आज मैं करने वाली हूँ हेयर वॉश, किस तरह से मैं हेयर वॉश करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे हेयर पर ऑलरेडी ऑयलिंग कर लिया है मैंने, और अभी सबसे पहले तो मैंने अपना हेयर वॉश किया नॉर्मल पानी से, ताकि मेरे हेयर में जितने भी ऑयल है वो मैं पानी से पहले निकाल लूँ। बट यहाँ पानी से बिल्कुल भी ऑयल नहीं निकालता है, बट फिर भी मैं अपने बालों को अच्छी तरह से गीला कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ शैम्पू। शैम्पू को मैंने एक मग में डाल दिया है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया है, और मैं अभी शैम्पू अप्लाई कर ली हूँ। पहले मैं बता दूँ, ये एक आयुर्वेदिक शैम्पू है, यानी कि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, जिस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा झाग नहीं होता है। आप देख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैंने शैम्पू अप्लाई किया है, और हेयर ऑयलिंग की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो अभी मैं अपने बालों को अच्छी तरह से धो लूँगी। आप देख सकते हो, मैं अपने स्कैल्प पे ज़्यादा फोकस करती हूँ और अपने बालों को धो रही हूँ। इसके बाद मैं और एक बार शैम्पू अप्लाई करूँगी और अपने बालों को क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं अपना हेयर वॉश कर रही हूँ, और मैं हेयर वॉश करते टाइम थोड़ा ज़्यादा ही पानी यूज़ करती हूँ। आपको भी वैसा ही करना चाहिए, अपने हेयर वॉश आपको अच्छी तरह से करना चाहिए, ताकि बिल्कुल भी शैम्पू या फिर कंडीशनर या फिर ऑयल आपके बालों में ना रह जाए। तो यहाँ पे मैं और एक बार शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो थोड़ा सा झाग हुआ है, बट उतना ज़्यादा भी नहीं होगा। तो अभी मैं और एक बार शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। आपको अपने स्कैल्प पे शैम्पू को ज़्यादा यूज़ करना है, ज़्यादा मीन्स जितना आपको ज़रूरत हो उतना आपको अपने स्कैल्प में यूज़ करना है। आपको हेयर लेंथ पर आपको फोकस नहीं करना है। जो आप जब आप अपने बाल धोते हो उस टाइम पे जो पानी आपके हेयर लेंथ से जाती है, उसी से आपके हेयर लेंथ क्लीन हो जाती है। तो अपने हेयर स्कैल्प पे ज़्यादा फोकस करें शैम्पू करते वक्त। तो अभी मैंने अपना शैम्पू अप्लाई कर लिया है, मैं अपने बालों को भी धो रही हूँ। No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. अभी मैंने शावर ऑन कर दिया है, और इसमें मैं अपने पीछे के बाल को अच्छी तरह से धो लूँगी और स्कैल्प को भी। तो आप देख सकते हो, मैं थोड़ी सी अपने फिंगर टिप की हेल्प से थोड़ा सा मसाज करती हूँ, जिस तरह से हम ऑयलिंग करते हैं ठीक उसी तरह से मैं अपने बालों को धो रही हूँ, ताकि बिल्कुल भी ऑयल या फिर शैम्पू ना रह जाए। I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And you may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with. तो अभी मैंने अपने बालों को अच्छी तरह से धो लिया है, और अभी मैं अपने बालों को थोड़ा सा डैप करते हुए जो एक्सेस वाटर है उसे रिमूव कर रही हूँ, और अपने हाथों में कंडीशनर लेके स्प्रेड कर रही हूँ अच्छी तरह से, और उससे अपने हेयर लेंथ पे कुछ इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो, मैं अपने फिंगर को थोड़ा सा गैप में रखते हुए अपने बालों को इस तरह से सुलझाते हुए कंडीशनर लगा रही हूँ। क्योंकि इस तरह से आपको कंडीशनर लगाना है, कंडीशनर सिर्फ और सिर्फ हेयर लेंथ पर लगाना है। मैं 2 मिनट तक कुछ इसी तरह से कंडीशनर लगा लूँगी, उसके बाद मैं अच्छी तरह से अपने हेयर वॉश करूँगी। उसका क्लिप आपको नेक्स्ट मिलेगा। आप देख सकते हो, मैं अपने नलकी के नीचे इस तरह से बैठ गई हूँ। ये मेरा फेवरेट 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 स्टेप होता है हेयर वॉश में। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से हेयर वॉश करते हुए।
तो मैं नल को हल्का सा, बस बिल्कुल हल्का सा मैं पानी ऑन कर देती हूँ। उसके बाद मैं कुछ इस तरह से नी के बल बैठ जाती हूँ, सारे बालों को आगे की ओर झुका के मैं कुछ इस तरह से क्लीन करती हूँ। इससे मेरे स्कैल्प तो क्लीन होते ही हैं, साथ ही साथ मेरे हेयर लेंथ काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कंडीशनर लगाने के बाद आपको अपने हेयर लेंथ को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए। मैंने पानी का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब अपने बालों को पूरी चारों ओर में स्प्रेड करते हुए अपने हेयर लेंथ को और अपने स्कैल्प को क्लीन करूँगी। जिस तरह से मैंने अपना कंडीशनर लगाया है ठीक उसी तरह से मैं अपने हेयर लेंथ को क्लीन करूँगी। आप देख सकते हो ये मेरा फेवरेट स्टेप है, जैसे कि मैंने बताया मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस स्टेप को करते हुए। प्लीज़ आप भी ऐसा करिएगा, एक तो आपके हेयर क्लीन हो जाएंगे बहुत तरह से, और दूसरी बात आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इस तरह से अपना हेयर वॉश करते हुए। तो इस तरह से मैं अपना हेयर वॉश कर on my own, but I don't know why. You hit the road, but you don't realize. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. It's not your fault, but you don't realize that I never wondered what's the truth in your eyes. It's a light that makes me blush. I won't look back. में आती है आप सब की रिक्वेस्टेड पार्ट जो कि है हेयर डंक। तो मैं इस तरह से अपने हेयर डंक करती हूँ। टब में मैंने पानी ले लिया है हाफ टब और मैं कुछ इस तरह से अपना हेयर वॉश कर रही हूँ। आप देख सकते हो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। मैं हर रोज़ तो मतलब जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ मैं ये वाला स्टेप नहीं करती हूँ सच बताऊँ तो, बट या कभी कभार मैं कर लेती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और यह आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। इस तरह जब भी आप अपना हेयर वॉश करोगे ना गाइस, आप अपने सिर को थोड़ा सा नीचे की ओर झुका के ही हेयर वॉश करना, आपका ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है, जिस तरह से आपकी हेयर काफ़ी अच्छी से और काफ़ी जल्दी फास्ट काफ़ी ग्रो होती है। तो इस तरह से आप अपना हेयर वॉश करो, कभी भी अपने हेयर को पीछे की ओर झुका के मत हेयर वॉश किया करो। आप हमेशा अपने हेयर को अपने सिर को आगे की ओर झुका के हेयर वॉश किया करो। तो अभी मैं अपना हेयर डंक कर रही हूँ। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे, एंड अगर अच्छा लगे तो आपको करनी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर। मैंने इस वीडियो को स्पेशली आप लोगों के रिक्वेस्ट पर बनाया है। तो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। तो यार मैंने इस तरह से अपना हेयर डंक किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये स्टेप और आपको भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद मैं एक मग में थोड़ा सा पानी ले रही हूँ, अपनी हेयर वॉश कर रही हूँ उसी पानी से। अपना हेयर वॉश करने के बाद अपने अपने बालों को थोड़ा सा डैप करते हुए एक्सेस पानी को रिमूव कर रही हूँ। और ये स्टेप आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। आप देख सकते हो मैं बारी बारी से अपने बालों को डैप करते हुए अपने हेयर से जितने भी वाटर है उसे रिमूव कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक कॉटन की कुर्ती से अपने बालों को ड्राई करूँगी। आप हमेशा एक बहुत ही ना हल्की सी कोई चीज़ों से अपने बालों को ड्राई करें, एक टी शर्ट हो गई या फिर एक कुर्ती हो गई, एक हल्की सी नाइटी हो गई। कभी भी अपने बालों को बहुत ही हैवी किसी टॉवल के साथ मत रैप कर दीजिए, उससे आपके बाल अभी बहुत ही गीले होते हैं जिस वजह से काफ़ी कमज़ोर होता है। और आप एक अगर बहुत टाइट या फिर बहुत भारी कपड़े से अपने बालों को रैप कर दोगे तो आपके हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो उसके बदले में आप कुछ इस तरह से हल्का यूज़ कर सकते हो।
ब्लो ड्रायर का यूज़ करते हो तो आप उसका कूल वर्ज़न यूज़ कीजिए, हॉट वर्ज़न नहीं।